महिलाओं का कर्ज माफ किया जाए, और आंध्र प्रदेश में अगर कर्जा माफ हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। दमन और लाठियों से आप गरीबों की, महिलाओं की, नौजवानों की आवाज दबा नहीं सकते, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो महिलाओं की मांग माने। एक साल जो कोरोना काल रहा है उनका कर्जा बिल्कुल माफ किया जाए। आज इस देश में महिलाएं भूखों मर रही हैं और देश में अंबानी की संपत्ति काफी बढ़ गई इस लॉकडाउन के दौर में। एनडीए सरकार कोशिश कर रही है कि हम यूज एंड थ्रो की तरह चलें। अच्छा, लेकिन जनता यूज एंड थ्रो में नहीं जाएगी। अच्छा। जनता अपने आप को फिकवाने नहीं देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे तमाम जो महिला हैं वो अब कहीं ना कहीं मोर्चा खोल रखा है राज्य सरकार और कहीं ना कहीं नीतीश गवर्नमेंट के खिलाफ। इन तमाम महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जहां पर तमाम जो महिलाएं छोटा मोटा रोजगार करती थी वो बैठ गई थी घरों पर और काम धंधा बंद हो गया था। ऐसे में कर्ज जो है इन्हें लेकर के और कहीं ना कहीं रोजगार को आगे बढ़ाना पड़ा। ऐसे में सरकार जो है इनके छोटे कर्ज को माफ करे, ये तमाम जो मांगे हैं इनको लेकर अब ये महिलाएं जो हैं ये अब बैठ गई हैं धरने। यहाँ से बिहार विधानसभा का घेराव करने महिलाएं जो हैं वो निकलेंगी। ऐसे में हम इन महिलाओं से ही बात करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रही हैं और इनकी मांगे क्या हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाओं का एक बड़ा संख्या जो है वो गर्दनीबाग में आपको दिखाई देगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी निशाना साधते दिख रही है। इन तमाम महिलाओं से ही हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कड़ी धूप में क्यों प्रदर्शन कर रही हैं, मांगे क्या हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रही हैं। इनसे बात करते हैं, मांगे क्या हैं, इतनी कड़ी धूप में प्रदर्शन क्यों कर रही हैं। साथियों आप लोग बैठिए। हम लोगों की मांग है कि अरे इसको आगे करिए, माइक पीछे करिए। हम लोगों की एपुआ और स्वयं सहायता समूह की मांग है कि महिलाओं का स्वयं सहायता महिलाओं का कर्ज माफ किया जाए, और आंध्र प्रदेश में अगर कर्जा माफ हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता, पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता है। और हम मांग कर रहे हैं आइए और महिलाओं को रोजगार दिया जाए और बिना ब्याज के रोजगार दिया जाए, वो उनसे जो काम करवाए जाते हैं उनके जो उत्पाद होते हैं उनको सरकार खरीदे। वो लॉकडाउन में कुछ उनसे मास्क वगैरह बनवाया गया लेकिन उनका वो खरीदा नहीं गया जिससे उनकी लागत भी डूब गई। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो जीविका लोग हैं उनका मानदेय 21,000 रुपया किया जाए, ये कुछ हमारी मांगे हैं। और सबसे एक नंबर की मांग है कि एक साल जो कोरोना काल रहा है उनका कर्जा बिल्कुल माफ़ किया जाए और उनको बिल्कुल कर्ज ब्याज मुक्त कर्जा दिया जाए जिससे वो रोजगार कर सकें। इतनी कड़ी धूप में खड़ी हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं इकट्ठा हुई हैं, आप लोग क्या सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी, सुन पाएगी आप लोगों की जो अर्जी है? अगर इस सरकार को लोकतंत्र में भरोसा होगा, जनता के जरिए चुनकर आई हुई ये सरकार है और विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए हम तो उम्मीद करेंगे कि ये लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, महिलाओं की जो मांग है उस मांग को ये पूरा करेंगे। क्योंकि कोई सरकार अगर ये समझती है कि चुनाव से पहले वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी घोषणाएँ करेंगे और चुनाव के बाद लोग जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आएंगे तो वो लाठियां चलाएंगे, दमन करेंगे, तो दमन और लाठियों से आप गरीबों की, महिलाओं की, नौजवानों की आवाज़ दबा नहीं सकते, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो महिलाओं की मांग माने। क्योंकि इस सरकार को अंबानी और अडानी की सेवा के लिए जनता ने नहीं चुना था। आज इस देश में महिलाएं भूखों मर रही हैं और देश में अंबानी की संपत्ति काफ़ी बढ़ गई इस लॉकडाउन के दौर में, तो सारी नीतियां अगर पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये बनाएंगे और महिलाओं को बस यूज एंड थ्रो की तरह चुनाव के समय इस्तेमाल कर लेंगे उनका वोट, तो महिलाएं ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए महिलाएं अपनी मांगों के साथ यहाँ हैं, हमारी लड़ाई है
विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज विपक्ष के विधायकों से भी हम लोगों ने संपर्क किया है और भाकपा माले के विधायक ने आज जीविका समूह के सवालों को लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि ये सरकार कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करे और उसके बाद इस पर विधानसभा में बहस हो, महिलाओं की बात मानी जाए। आपको लग रहा है चुनाव तो संपन्न हो गया, आप लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है एनडीए की सरकार जो बनी है वो चुनाव के वक्त में और चुनाव खत्म हो गए हैं तो यूज एंड थ्रो का जो है जो आपने कहा कि काम कर रही है एनडीए सरकार। एनडीए सरकार कोशिश कर रही है कि हम यूज एंड थ्रो की तरह चले। अच्छा, लेकिन जनता यूज एंड थ्रो में नहीं जाएगी। अच्छा। जनता अपने आप को फेंकवाने नहीं देगी। अच्छा। हम इंसान हैं, हमारे वोट के बल पर ये सरकार बनी है, ठीक है, वो जैसे भी हो बहुमत उनको मिला है, इसलिए आज उनकी सरकार है तो इस सरकार को सुनना होगा। और एनडीए जो ये समझता है कि उस सत्ता में आ जाने के बाद वो तानाशाह की तरह कुछ भी कर लेंगे और जनता चुप बैठी रहेगी, खासकर महिलाएं, महिला सशक्तिकरण का अगर आप बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले महिलाओं का ये लोन माफ करिए, गरीब महिलाओं की आवाज़ सुनिए। इसलिए आज महिलाओं को सरकारी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं, महिलाएं आज सशक्त होकर यहाँ आवाज़ उठाने आई हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर लड़ रही हैं। यहाँ से आगे बढ़ पाएंगी, बिहार विधानसभा के समक्ष पहुँच पाएंगी। हमने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा शांतिपूर्ण आज का कार्यक्रम है, हम पूरी तरह से शांतिपूर्वक अपील किए हैं कि हम लोगों को विधानसभा तक जाने दिया जाए। उन्होंने कहा है कि आप यहीं पर रहिए, हम यहीं हैं, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार अपने प्रतिनिधि को भेजे और हमसे बात करे। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाएं और बात करें। असल बात है वो महिलाओं की आवाज़ सुने। तो साफ तौर पर ये कहते दिख रही हैं कि महिलाओं की आवाज़ जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुने और तमाम जो महिलाएं जो हैं वो एकजुट होकर प्रदर्शन करते दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से महिला जो है वो अब सड़कों पर उतर चुकी हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल है ये, जहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं एकजुट हुई हैं और कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जो छोटे कर्ज हैं उन्हें माफ़ करा जाए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना। महिलाओं का कर्ज माफ़ किया जाए और आंध्र प्रदेश में अगर कर्जा माफ़ हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। दमन और लाठियों से आप गरीबों की, महिलाओं की, नौजवानों की आवाज़ दबा नहीं सकते, इसलिए लोग सड़कों पर हैं। सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो महिलाओं की मांग माने। कि एक साल जो कोरोना काल रहा है उनका कर्जा बिल्कुल माफ़ किया जाए। आज इस देश में महिलाएं भूखों मर रही हैं और देश में अंबानी की संपत्ति काफ़ी बढ़ गई इस लॉकडाउन के दौर में। एनडीए सरकार कोशिश कर रही है कि हम यूज एंड थ्रो की तरह चलें। अच्छा। लेकिन जनता यूज एंड थ्रो में नहीं जाएगी। अच्छा। जनता अपने आप को फेंकवाने नहीं देगी।